नागिन बनने के बाद ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर डस्टी भी नजर आएंगी ये कंटेस्टेंट। खबरें क्या है और क्या है एग्जैक्ट खबर, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रीतम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। मेरे नागिन शब्द का इस्तेमाल करने से आप ये तो समझ गए होंगे कि एकता कपूर की कोई एक ऐसी एक्ट्रेस ही है जो बिग बॉस सीजन 15 के लिए अप्रोच करी गई है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सुरभि चांदना की। जी हाँ, सुरभि चांदना बिग बॉस सीजन 14 में भी आई थी और उन्होंने अपनी हॉटेस्ट परफॉर्मेंस भी दिखाई थी। खैर, अब खबर बीच में ये सामने आई थी कि सुरभि चांदना को बिग बॉस सीजन 15 के लिए अप्रोच किया गया है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है, चलिए आप वो भी जान लेते हैं। आपको बता दूं कि सुरभि चांदना का कहना है कि उन्हें बिग बॉस सीजन 15 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है, और इनफैक्ट अगर उन्हें अप्रोच किया भी जाएगा तो वो बिग बॉस सीजन 15 में आने के लिए अभी फिलहाल जो है वो तैयार नहीं है। सो ऐसे में सुरभि चांदना फैंस को काफी इंतजार करना पड़ेगा उन्हें बिग बॉस के किसी भी सीजन में देखने के लिए। देखिए, इस सीजन के लिए तो उन्होंने रिफ्यूजल दे दिया है। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाए और वो बिग बॉस सीजन 15 में नजर आ जाए, तो आप मुझे ये मत कहिएगा कि आपने तो कहा था कि उन्हें रिफ्यूज कर दिया। देखिए, ये एक ऐसी रेस है जिसमें कोई कभी भी पलट सकता है। हो सकता है नजर भी आ सकती है, हो सकता है नहीं भी आ सकती हो, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि अप्रोच नहीं किया गया है तो रिफ्यूजल की भी बात नहीं आती है। सो गाइस, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सुरभि चांदना को बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं। अगर हाँ है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।